हंस लीजिए रानी, जी भर के हंस लीजिए। पता नहीं आगे भविष्य क्या हो। क्या बोली तू? प्राणों का अभय हो तो बोलू रानी। कल मेरे राम का राज्य अभिषेक है, इस अवसर पे तो सबको अभय है। बोल, निर्भय होकर बोल। ये राज्य अभिषेक ही तो आपका दुर्भाग्य लाएगा। क्या बकवास करती है? मैं तो सदा आपका भला ही चाहती हूँ रानी, यहाँ आपके और भरत के अतिरिक्त मेरा है ही कौन। आपके विरुद्ध महल में षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? राम के राजा बनते ही कौशल्या और सुमित्रा आपसे गिन गिन कर बदले लेंगे। वो दोनों महाराज के आपके प्रति प्रेम से जलती हैं। नहीं नहीं, मेरा राम ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप राम राम भजती रहना, और वो राजा बनते ही अपनी माँ के कहने पर आपको और भरत बेटे को राज्य से बाहर निकाल फेंकेगा। महाराज भी तब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको शमरासुर युद्ध का स्मरण है ना? महाराज का जीवन बचाया था आपने, और उन्होंने आपसे दो वरदान मांगने के लिए कहा था। जो आपने उस समय नहीं मांगे, किंतु अब मांगने की घड़ी है। शीघ्र बोल, करना क्या है? ऐसा ही होगा। रानी कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भरत राजा बने। पिता के वचनों की रक्षा करनी है मां, मुझे अनुमति दे। मेरे पुत्र, दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य है। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा मत कहिए पिताजी, 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। आप मुझे वन प्रस्थान की अनुमति दें। मत जाओ राम, अयोध्या तुम्हारी है। तोड़ दो मेरा वचन राम, मेरे पुत्र, मत जाओ, मत जाओ राम। भरत ने अपनी माता कैकेयी के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं किया। वो श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचा। धर्मात्मा राम अपनी बात पे दृढ़ रहे तो भरत भी कम नहीं निकला। वो श्री राम की चरण पादुका ही अपने साथ ले गए।
अयोध्या का राज सिंहासन श्री राम के ही चरणों के नीचे था। दुष्टों का नाश करते हुए और जनसाधारण को प्रगति का रास्ता दिखाते हुए तीनों 10 वर्षों तक दंडक वन में इधर उधर घूमते रहे। तीनों का अगला पड़ाव था पंचवटी। वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके थे। देवी सीता और लक्ष्मण तो अयोध्या की स्मृति में थे, किंतु राम को संभवतः दैव की क्रूर क्रीड़ा का आभास था। कौन हो तुम रूप मनुष्य और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूं देवी, लेकिन तुम? मैं इस वन की रानी हूं, शूर्पणखा। आप यहां की रानी हैं, तो आइए मेरी कुटिया में पधारिए। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। संसार भर के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं नहीं जा सकता देवी, मैं वचनबद्ध हूं, तुम जाओ। मेरे जैसी सुंदरी त्रिलोक में नहीं। मेरा प्रणय स्वीकार करो, मैं तुम्हें यहां का राजा बना दूंगी। तुम स्त्री हो देवी, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता, चली जाओ। तू मूर्ख है राम, अब तू मेरा दास बनेगा। दो सुंदर मानव। क्या हुआ स्वामी? अच्छा, तो इसी के कारण तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो राम। अब तो मैं पहले इसको मारूंगी। लक्ष्मण, हम बच्चों और स्त्रियों को नहीं मारते, इसलिए जा, भाग जा। अब तू किसी को अपने रूप का लोभ नहीं दे पाएगी। राक्षस राज रावण की बहन दुष्टो, उसको गुंडावश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। महिम राक्षस राज की जय हो। राजपुत्र शूर्पणखा उपस्थित होने की आज्ञा चाहती है। शूर्पणखा, वो यहां क्या कर रही है? भेजो उसे। नाटक मत कर शूर्पणखा, बोल क्या हुआ, क्या चाहिए? भंग की जाती है। इतना क्या सोच रहा है? तेरी बहन का अपमान हुआ है, जा और नाश कर दे उन मानवों का। मानव स्त्री